हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सेकंड चैप्टर हमारा रनिंग में है, पार्टनरशिप फंडामेंटल। एंड प्रीवियस वीडियो वी हैव प्रोवाइड यू फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू बी यूज द फॉर्मेट इन द प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आपका बुक का जो बच्चे न्यू बुक यूज कर रहे हैं, पेज नंबर 2.82 है और क्वेश्चन नंबर है 20, टीएस ग्रेवाल से है। और किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन नंबर 20 जल्दी से बुक हाथ में लीजिए। पहले जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अमर एंड विमल एंटर इंटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019, कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹1,50,000 एंड ₹2,50,000 रेस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल्स। द पार्टनरशिप डी प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 10% पर एनम। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। जल्दी से एक पेंसिल हाथ में लीजिए, वुडन पेंसिल, और अंडरलाइन कर लीजिए कहाँ से लेके कहाँ तक। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। The firms earn net profit of ₹1 lakh for the year ended 31st March 2020 past the journal entry. Entry को underline कर लीजिए, सिर्फ single entry बनानी है। Entry for interest on capital, वो भी केवल interest on capital के लिए। Journal entries के लिए मैंने आपको already video provide कर दिया कि किस तरीके से journal entries के बनाते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे इस question को solve करना है। सबसे पहले एक journal entry के लिए छोटा सा याद रखेंगे, अगर single एंट्री भी बनानी हो तो उसके लिए भी आप एक छोटा सा फॉर्मेट जरूर बना लें। फॉर्मेट कौन सा होगा? वही जर्नल वाला होगा। जो जर्नल का फॉर्मेट होता है उसी जर्नल के फॉर्मेट में आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है? डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, फॉर्मेट आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है? जल्दी से फॉर्मेट पूरा तैयार कर लो। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है? अब देखिए एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। मैंने आपको बताया था दो तरीके की एंट्री बनाई थी, ठीक है? कौन कौन सी जल्दी से रिमाइंड कर देते हैं। पहली एंट्री थी हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी हमने बनाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अगर एक ही एंट्री बनानी हो तो उसके लिए मैंने आपको ऑल्टरनेटिव भी एंट्री भी बताई थी। वो एंट्री क्या थी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम एक एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? हम उसी के अकॉर्डिंग एंट्री बना रहे हैं जो हमने याद की है। टू कौन कौन पार्टनर है? अमर्स करेंट अकाउंट यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, मैंने अंडरलाइन करवाया था अभी आपको। और टू बिमल्स करेंट अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, ठीक है? ये हमने अंडरलाइन कर दी, एंट्री क्लोज हो चुकी है। अब क्या करना है, अमाउंट कैसे निकाले? तो आओ जल्दी से वर्किंग मोड देखते हैं। पहले निकालेंगे अमर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमर की कितनी कैपिटल है? ₹1,50,000, 1,50,000, और कितना परसेंटेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% पर एनम। अब ये 1 अप्रैल को कैपिटल लगी हुई थी, 1 अप्रैल 2019 को इसकी कैपिटल थी, और हम इसको ये कब दे रहे हैं? 31st मार्च 2020 में दे रहे हैं, माने होल ईयर कंप्लीट हो गया। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 15,000 होगा। डेट और यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, डेट है इसकी 31st मार्च 2020, ठीक है? अच्छा, अब बात करेंगे किसकी? बिमल की। तो बिमल का कितना होगा? बिमल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम पोजीशन होगी, कैपिटल कितनी है इसकी? 2,50,000। तो ₹2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 10% कितना निकल के आएगा? 25,000।
अमर के क्रेडिट में कितना लिखोगे आप? 15,000। विमल के क्रेडिट में कितना आएगा? 25,000। और टोटल अमाउंट कितना हो गया? 40,000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट्स इट। जल्दी से नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन और एक को देखेंगे हम अभी। जी उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। इसी पैटर्न पे अगर और भी आपको अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22, तो सेल्फ सॉल्व करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए, और नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो अपने नोट्स जल्दी तैयार कर लीजिए। एक हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या करना है? बिल्कुल पहले की तरह एक पेंसिल हाथ में ली होगी आपने, वुडन पेंसिल, जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को। एज ऑन 31 मार्च 2019 वर 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, पार्टनरशिप टी प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पास जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक ही एंट्री बनानी है पहले की तरह। क्या डिफरेंस होगा? चलो वो डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 23 के साथ, सॉल्यूशन नंबर 23, ये हमें क्या बनाना है पहले की तरह? वही एक जर्नल एंट्री बनानी है, सिंगल एंट्री। ठीक है, फॉर्मेट जल्दी से मैंने ड्रॉ कर लिया पहले की तरह। ठीक है, हेडिंग्स आप खुद लिखेंगे इसकी। ठीक है, चलो जल्दी से एंट्री पास करते हैं। किस डेट में दे रहे हैं? 31 मार्च 19, तो 31 मार्च 2020 याद रखना, क्लोजिंग में देते हैं। किस किस को देनी है? तो पहले एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, क्या नाम है पार्टनर्स का? अनीता और अंकिता। अनीता अब की बार यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट, पहले मैंने क्या यूज करा था? करेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि पहले कैपिटल फिक्स्ड थी और अब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। टू अंकितास कैपिटल अकाउंट, नरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद समझ में आया होगा। चलो जल्दी से इसका वर्किंग नोट पहले की तरह। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ किसके निकालेंगे पहले? अनीता की। अनीता की कितनी कैपिटल लगी हुई है? अनीता की कैपिटल 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% इक्वल्स टू 50,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अंकिता, अंकिता की कितनी है? अंकिता की है, अंकिता की कैपिटल है 4 लाख। तो रुपीज 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% कितना होता है? 40,000। ठीक है, पहले अनीता के कॉलम में यूज करेंगे 50,000, अंकिता के में यूज करेंगे 40,000। टोटल कितना होता है? 90,000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना इजी है ना। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको बताया, 24, 25, 26 सेल्फ ट्राई कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कमेंट सेक्शन में इसको भेज दीजिए। आपका डाउट मिनट से पहले सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।